दोस्तों, ये मौसम ऐसा है कि कभी धूप है तो कभी बारिश है। अगर दोस्तों जहाँ पे भी देखें वहाँ हरियाली ही दिखती है। दोस्तों चलते चलते हमारी नज़र एक पत्थर की दीवार पे पड़ी जिसपे फर्न्स उग रहे थे। देखिए दोस्तों, ये दीवार पूरी फर्न से भरी हुई है और पूरी दुनिया में इसके 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज मिलती हैं। दोस्तों इनका नाम मेड इन हेयर है। ये एडियंटम स्पीशीज के प्लांट हैं। ये प्लांट को ह्यूमस रिच मॉइस्ट वेल ड्रेन जगह उगने के लिए चाहिए। ये बॉटम लैंड जगह, सीपेज एरियाज, वर्टिकल स्टोन वॉल्स, वाटरफॉल्स के पास पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मॉइस्चर इनको ड्राई आउट होने नहीं देता है। इसको हाउस प्लांट्स के तौर में भी उगाया जा सकता है। इन फर्न्स के आम शेप लीव सेगमेंट्स टाइनी ब्लैक स्टेम्स में उगते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से जल जाते हैं और कम धूप से इनकी ग्रोथ कम हो जाती है और इनके पत्ते येल्लो हो जाते हैं। इन्हें मॉइस्ट सॉइल और ह्यूमिडिटी पसंद है। इनके ब्लैक शाइनी स्टेम्स में ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स इन्हें डेलिकेट बनाती है, मगर ये डेलिकेट प्लांट्स नहीं हैं। ये वाइल्ड में बहुत अच्छी तरीके से थ्राइव करते हैं। ये स्टडी प्लांट्स के पाम शेप लीफ है जिन्हें फॉन्ट्स कहते हैं। ये फॉन्ट्स जो ब्लैक स्टेम से उगते हैं हर साल डाईबैक करते हैं और अप्रैल मई में नए पत्ते उगते हैं। जब ये नए पत्ते अनफर्ल होते हैं तब ये कर्ल होते हैं। ये राइजोम से उगते हैं। इस प्लांट के 5 से लेके 8 फिंगर्स होते हैं। दोस्तों पहले ये रेडिश ब्राउन होते हैं, फिर ब्राइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो जाते हैं। दोस्तों ये देखे, ये वॉल कितना सुंदर लग रहा है। इसमें प्रकृति का ही तो हाथ है जिसने इतनी सुंदरता से एक खाली दीवार में जान भर दी है। दोस्तों ये सब चीजें तो नेचर ही कर सकता है। दोस्तों हम इसे इंडोर प्लांट्स के रूप में गमलों में और हैंगिंग बास्केट्स में उगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, दीवार में मॉस है तभी अच्छी तरीके से फ्लरिश हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये फर्न की ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। दोस्तों पेड़ों के पत्तों से सूरज की किरणें कैसे आ रही, देखिए ये नज़ारा वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये मॉस कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। दोस्तों ये देखिए, फर्न के पीछे का पत्ता ऐसा दिखता है। देखिए दोस्तों, ये कितने डेलिकेट लग रहे हैं और फ्रजाइल लग रहे हैं। अगर ये स्टडी है जो इन कंडीशंस में भी ग्रो कर रहे हैं, इनकी कंडीशंस राइट होती है तब ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।